हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 30 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना नामक एक नई योजना की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र सरकार ने। और इसमें बेटी के जन्म लेने पर किसान परिवार को वृक्षारोपण के लिए 10 पौधे मुफ्त दिए जाएंगे, और 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच ऐसे किसान परिवार ग्राम पंचायत के साथ आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा रानी रामपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने सदस्य देश हैं? मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए G7 की पहल पर 1989 में स्थापित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसमें टोटल 37 देशों का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है? तो इसमें आंसर आएगा नाइजीरिया में, और भारत इस विषय में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मा गोड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा कर्नाटक राज्य में, और यह कृष्णा नदी की उप नदी घाट प्रभा पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक यानी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आंसर आएगा 35वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा 5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे चंद्रयान 2 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके पॉइंट्स हैं, इसका निर्माण इसरो द्वारा किया गया है, इसका कुल बजट 800 करोड़ रुपये है, और इसका मकसद हीलियम 3 का पता लगाना है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ABC तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे कुटुटपल्ली बंदरगाह के बारे में कौन सा कथन निम्न में से सत्य है? पॉइंट्स हैं, यह दक्षिण भारत में स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट, हाल ही में इसे अदानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहित किया गया है। नेक्स्ट, यह समझौता 1950 करोड़ रुपये में हुआ है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट्स ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, इसका क्या नाम है? तो इसमें आंसर रहेगा, इसका नाम है रीयूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा 3 नए पदक देने की शुरुआत की गई है, जिनमें से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? आपके पॉइंट्स हैं, आंतरिक सुरक्षा मेडल, असाधारण आसूचन मेडल, उत्कृष्ट व अति उत्कृष्ट सेवा मेडल, और जीवन पर्यंत सेवा मेडल। तो इसमें आपके ऑप्शन ABC मेडल है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव डिब्री निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा स्पेसक्राफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज आयोजित हो रहा है? तो इसमें आंसर आएगा पैसेज एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धावक जिन्होंने हाल ही में 58वें राष्ट्रीय अंतर्राज्य वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ 11.29
दोनों सेकंड में पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसमें आंसर आएगा ये भारतीय धावक है दुती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है? तो इसमें आंसर आएगा मिशन शौर्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, जानवरों और कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किस दवा और इंजेक्शन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीग्लोबिन, टेट्रोमाइसिन, टेम्प्रेलिन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।